अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज की मेरी रेसिपी है चिकन भूना कुछ सब्जियों के साथ में। बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार, एकदम जानलेवा। तो इसे बनाना शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये रेसिपी एकदम एवरग्रीन रेसिपी है। इसे चपाती, नान, पाव, ब्रेड या राइस या पुलाव के साथ में कैसे भी खाया जा सकता है। इसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन बोनलेस और मैं इसके बहुत छोटे पीसेस कर लूँगी, मीन्स आधा इंच से भी छोटे पीसेस कर लूँगी। इसे इस तरीके से मैं काटती जाऊँगी। पहले मैं पतली पतली स्ट्रिप्स काटूँगी, फिर उनमें से छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, मैंने एक पतली स्ट्रिप को लिया और उसमें भी 2 से 3 पीसेस कर दिए। तो मीन्स कहने का मतलब यह है कि आप ये बहुत छोटे पीसेस काटें और इसे जब पकाने चलेंगे तो ये इतने छोटे कटे हुए पीसेस फूल के थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। वो चिकन बोनलेस का नेचर है। आप देख सकते हैं कि ये कितने छोटे पीसेस कटे हुए हैं। तो चलते हैं। ये हमने 5 प्याज मीडियम साइज के लेकर बारीक काट लिए, ये 4 टमाटर मीडियम साइज के लेके बारीक काट लिए हैं, ये 1 शिमला मिर्च है इसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप चाहे तो कुछ और सब्जियां भी मिला सकते हैं। चलते हैं इसके मसालों की तरफ। तो इसके ये पाउडर मसाले, नमक स्वादानुसार, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च हमने ली है, आपको अगर ना पसंद हो तो कम तीखी ले, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 4-5 हरी मिर्चियों को बिल्कुल बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1/2 कप। अगर आपको ज़्यादा हॉट चाहिए तो आप हरी मिर्चें और ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 कप ऑयल मैंने डाल दिया। 1/2 कप ऑयल से मतलब 80 ग्राम्स ऑयल इसके अंदर डालना है और 1/2 चाय का चम्मच इसमें जीरा मैंने डाल दिया। जीरा जैसे ही तड़क जाएगा मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें प्याज टमाटर पहले नहीं डाला जाता है, प्याज टमाटर लास्ट में डाला जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस ट्विस्ट को देखिएगा कि उसका ये ट्विस्ट और चखिएगा कि वो कितना शानदार टेस्ट आता है। लहसुन को मैंने 2 मिनट तक भुना है और अब उसमें मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन जैसे ही, चिकन में हल्दी डाल देंगे सबसे पहले। 1 चम्मच भर के हल्दी डाली है और नमक मैंने 1.5 चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। इसे मिक्स करेंगे और जैसे ही चिकन का कलर बदल जाएगा इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो इसे आप 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए 2 मिनट तक भूनने के बाद चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और वो जो मैंने आपको बताया था कि फूल जाती है, पीसेस फूल जाते हैं बोनलेस के, वो हो गया है। अब इसके अंदर हम ये धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच और इन सारी चीज़ों को मिलाकर 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ आप अगर ज़रूरी लगे थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो मैंने 1 छोटा कप पानी डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि पाउडर मसालों को पकने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ में चिकन पका है और इसकी भुनी हुई खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत अच्छा भून गया है। 2 मिनट तक ऐसे ही खुला रखकर थोड़ा चला चला कर भून लेंगे। इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है। ऑयल सेपरेट होने का मतलब ये होता है कि मसाला अच्छी तरीके से भून गया है। 1 मिनट तक इसे और पकाएंगे ढक के, इससे चिकन गल जाएगी। ये चिकन के छोटे छोटे पीसेज हैं तो इन्हें गलने में टाइम नहीं लगता है। इस रेसिपी को बनाने में, पकाने में, अगर क्वान्टिटी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन क्वान्टिटी कम है तो थोड़ा टाइम लगेगा। हरी मिर्ची भी ऐड कर दी, शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया। याद रखिएगा चिकन पूरा पकने के बाद हमने शिमला मिर्च और हरी मिर्ची को ऐड किया है। इनका फ्लेवर अगर शुरू में डाल देंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो शिमला मिर्च को डालकर 1 मिनट तक भूनेंगे, पकने देंगे, मींस शिमला मिर्च का कुरकुरापन बरकरार रहना चाहिए, उसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। और इसके अंदर अब हमने डाल दी है वो बारीक कटी हुई प्याज, इसे भी मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक भूनेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। ये बारीक कटी हुई टमाटर भी ऐड कर दी है मैंने। मेरी गवासी आ गई मेरे पास, अब बड़ा मजा आ रहा है उसको। 1 मिनट तक टमाटर को भी चलाकर भूनेंगे, ज्यादा देर नहीं पकाना है इन सब सब्जियों को डालने के बाद।
एक मिनट तक मैंने भून लिया टमाटरों को डालने के बाद भी, और अब ये रेसिपी बिल्कुल तैयार होने को ही है। हरी धनिया के पत्ते डाल दिए, आप चाहें तो यहाँ पर नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर नींबूओं को साथ में सर्व कर सकते हैं ऊपर से निचोड़ने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला भी छिड़क सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। हमने गैस को ऑफ किया और इसे तुरंत डिश आउट करने जा रहे हैं। गर्मा गर्म हम इसे चपाती और पराठों के साथ में सर्व करने जा रहे हैं। आप चपाती, पराठे, नान, पाव, ब्रेड, राइस, पुलाव या फ्राइड राइस के साथ में भी इसे सर्व कर सकते हैं। लेमन वेजेस पे मैंने सजाया है, आप जैसे चाहें वैसे गार्निश कर सकते हैं। और ये रेसिपी मेरी बन के तैयार है, इसे आप बनाइएगा और जब बनाइएगा तो फोटोज क्लिक करके मेरे इंस्टा के पेज पर और FB के पेज पर जरूर शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।